तीसरी चीज जिसने मुझे बिल्कुल चेंज करके रख दिया, वो एक फाइन यू नो सनी डे इन इस्लामाबाद, मैं अपने कजिन के साथ था एंड आई वाज फीलिंग इल पिछले कुछ दिनों से. उसने कहा कि, बल्कि मैंने उसे कहा कि यार लेट्स राइड. तो उन्होंने कहा ठीक है चल चलते हैं. ही हैड अ कावासाकी मे बी 880 था वो, एंड आई हैड अ बुलेवर्ड चॉपर 660. अभी जो अपने पिक्चर्स देखी हैं उनमें से ब्लैक जो बाइक था वो वही था. हम निकले जी रोड्स पे, स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया, दोनों ने थ्रॉटल दिया. कुछ सेकंड्स बाद वी वर अराउंड एट 100 और 120 में भी 130. अचानक से क्या हुआ कि एक लेफ्ट से बाइक वाला आया, और चूंकि मैं राइट पे था, मेरे कजिन लेफ्ट पे था, तो मेरा व्यू ब्लॉक हो रहा था उस बाइकर से. एंड समहाउ द कजिन यू नो ही टिल्टेड हिज बाइक और ही स्किप्ड दैट बाइकर. और अचानक से लो एंड बिहोल्ड मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक बाइक वाला आ गया एंड ही इज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड. और वो रोड को ऐसे क्रॉस कर रहा है हॉरिजॉन्टली और मैं सीधा वर्टिकली आ रहा हूँ. ही थॉट कि जो लाइट्स आ रही हैं वो दूर हैं और मैं क्रॉस कर जाऊंगा, बट ही नेवर रियलाइज कि वी वर ऑन 130. हमने कहा पुत्र किस तरह तू निकलेगा यहाँ से, हम 130 पे आ रहे हैं. बजाय के ब्रेक्स मारने के मैंने थ्रॉटल दिया कि शायद मैं पहले निकल जाऊंगा इससे. लेकिन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, हम दोनों वी बैंग्ड ईच अदर. और जब मैं उसके अंदर लगा और कुछ देर जमीन पे घसीटने के बाद और टकरे खाने के बाद जब मैं खड़ा हुआ, तो मेरी वो सूरत हाल थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. मेरी जबान दो हिस्सों में कटी हुई थी, यहाँ पे बहुत बड़ा कट था, जबान ऐसे जैसे स्नेक टांग होती है ना उस तरह की थी. मेरा दांत टूट चुका था, मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट था जो कि अभी भी है, जो कि बहुत डीप था, अभी भी शायद आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे वेन्स यहाँ से निकली हुई थी. मेरा मुंह डिफरेंट जगहों से जो है ना वो कट्स में था, यहाँ कट है, यहाँ कट था, और वो बहुत सारे कट्स थे, इसमें से खून के फवारे निकल रहे थे. और इतना खून मेरे मुंह से और मेरी जबान से निकल रहा था कि आई थॉट कि आई एम गोना डाई इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स. और अचानक से इट वॉज अ शॉकिंग इवेंट. मैं जब खड़ा हुआ, मेरी जबान मेरे मुंह में लटकी हुई है, यहाँ से मेरे होंठों में आ रही है, और मेरा दांत टूटा हुआ है, और मेरे मुंह से फवारे निकल रहे खून के. And I couldn't imagine myself. और ऐसे जब with a glimpse of a second I realized कि तोहा ये तो मौत है, you are about to die. और वो जो 5 मिनट थे ना जिंदगी के, उन्होंने मुझे वो कुछ सिखा दिया जो कि मैं पिछले सारी जिंदगी में नहीं सीख सका. And I said अल्लाह अकबर that I'm gonna die. मेरा कजन भागा गाड़ी लेने के लिए to take me to the hospital. और मैं वहाँ पे जब उसके पीछे चल रहा था, and I was looking at myself and I had a terrible accident. और जितना amount of blood मेरे मुंह से निकल रहा था, I was thinking I'll be a dead body. लोग 5 मिनट बाद कह रहे होंगे इस मैयत को उठाओ और इसका जनाजा पढ़ते हैं. And in my heart I was screaming and shouting. और इतना बेबसी का आलम था, I was screaming कि है कोई जो मेरी मदद करे. और उन तमाम चीजों के को मैं पुकार रहा था अपने दिल में कि जो मुझे, जिनके लिए मैंने अल्लाह को नाराज किया था, अपनी फीमेल फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपना माल, अपना वो गैंग, वो ड्रग्स, वो चीजें, वो एक स्टेटस जिसको राजी करने के लिए मैंने अल्लाह को नाराज किया था कि आओ मुझे बचाओ, मैं बुरी स्टेट में हूं, तुम लोग मुझे बचा सकते हो. आई वाज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन माय हार्ट एंड नोबडी केम टू हेल्प मी आउट. And I was thinking कि मैं इसके बाद मरने वाला हूँ. और मेरी सारी पिछली जिंदगी का ना फ्लैशबैक मेरे सामने आया. हम जुमे के जुमे मस्जिद चले जाया करते थे ना, तो मौलवी साहब से वहां सुना था कि जो शख्स नेक अमल करेगा वो जन्नत में, और जो शख्स गुनाह करके आएगा वो जहन्नम में. और मैंने जब अपनी सारी जिंदगी को एक ग्लिम्स में रियलाइज किया, तो इट वॉज ऑल सिंस, इट वॉज ऑल लाइफ ऑफ सिंस एंड नो गुड डीड्स एट ऑल. माँ बाप की नाफरमानी भी, गुनाहों की जिंदगी, और पार्टीज और ड्रग्स और गर्लफ्रेंड्स और हराम रिलेशनशिप्स एंड यू नो लोगों के साथ भी. आई थॉट आई एम गोइंग टू एंड अप इन जहन्नम इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स. ये जिंदगी तोहा तुम्हारी खत्म, आज के बाद हमेशा हमेशा का अजाब और मौत है, और कुछ देर बाद तुम फरिश्ते देख रहे होगे जो कि तुम्हें मार पीट रहे होंगे और तुम्हें कब्र में सांप और बिच्छू तुम्हारे ऊपर होंगे.
मेरे अल्फाज ना आपको मेरे उस टाइम के जज्बात कभी बता नहीं सकते जो उस टाइम मैं फील कर रहा था। और हर इंसान फील करता जब उसने जिंदगी गुनाहों पे गुजारी हो और उसका मौत का वक्त आ जाए। मुझे तो अल्लाह ताला ने एक नया चांस दे दिया और मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया, लेकिन मेरे कितने दोस्त हैं जो कि जिनको आज तक एक चांस नहीं मिला।